बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि बीते हफ्तों की बात करें तो 100 से ज्यादा बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की तादाद बताई जा रही है अलग अलग दलों से, और इसे लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो रही है। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने वाले नेताओं की एक बड़ी संख्या एक ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी सैकड़ों विपक्ष के बड़े कार्यकर्ताओं के बड़े नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की श्रृंखला चल रही है। उसी के क्रम में ये ज्वाइनिंग हो रही है और मुझे लगता है कि इस बार जो देश में 400 पार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य है, उसी का यह संदेश है कि भारतीय जनता में पार्टी में बड़ी संख्या में विरोधी दल के लोग भी उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसे मजबूत करने के लिए आगे आ रहे हैं। कि भाजपा एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें कोई सवार नहीं होना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई, किसी ने टिकट वापस किया, कोई मंत्री संन्यास ले लेता है, किसी का सीडी कांड आता है सामने, वो टिकट वापस कर देता है, उनका टिकट कट जाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि 2014 में बेरोजगारों से, किसानों से, मजदूरों से जो वादे किए थे, जो देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा के वादे किए थे, उन सब मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। आज देश की जनता वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रहे। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। बीते दो हफ्तों की बात करें तो बीते दो हफ्तों में अलग अलग दलों के 100 से ज्यादा प्रमुख नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जिसमें बात करें तो पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार को भी अलग अलग दलों के कई प्रमुख नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, या यूं कहें कि इस वक्त चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कई दलों में भगदड़ की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि सियासी जानकार मानते हैं कि जिस सधी हुई रणनीति से बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, उसी का असर है कि दूसरे दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बयान दिया जिस पर सियासत लगातार गर्म है। वहीं यूपी के राज्य